तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें पानी भर दिया है, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ही खिलते हैं। थोड़ा काम वगैरह करने के बाद अभी फिर मैं यहाँ पे योगा वगैरह भी कर लेती हूँ। एवरीवन, मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे प्यारे से टेरेस गार्डन के साथ, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। आज मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया है, और उठने के बाद मेरा पहला काम यही होता है, मुझे प्लांट्स वगैरह को पानी देना होता है, उसके बाद बाकी के काम फिर होते हैं। तो अभी अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं सारे प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। पानी देते देते एक तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, एक्सरसाइज ही समझ लीजिए आप, फिज़िकली थोड़ा हिलना डुलना हो जाता है। वरना यहाँ पे अगर आप भी कोई शहर वगैरह में रहते हैं, सिटीज़ वगैरह में, तो बिल्कुल भी फ़िज़िकल वर्क नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोगों को बहुत सी बीमारियाँ घेर लेती हैं और हम बहुत आलसी हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, जिससे फ़िज़िकली भी थोड़ा वर्क हो जाएगा और साथ ही मेंटली हमारा स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाता है पौधों को देखने से। एक तो मैं मॉर्निंग पे आते ही ना मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, जितनी भी टेंशन होती है दिमाग में सारी निकल जाती है। बचपन से ही मेरे अंदर है, तो मैं हमेशा ही सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह सुबह ना मौसम भी अच्छा हमारा साथ दे देता है, क्योंकि सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, वरना दिल्ली जैसे एरिया में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है हर टाइम। और आजकल तो मानसून के टाइम पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब बाहर निकलना ही मुश्किल हुआ है। और सुबह एकदम ठंडा सा मौसम और साथ में अपने प्लांट्स, साथ में फिज़िकली एक्टिविटी भी हो रही है और मेंटली भी स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता है। वैसे मैं प्लांट्स को पानी ना ज़्यादातर बाल्टी से ही पानी ले जाना मैं प्रिफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाइप से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और उसमें पानी काफ़ी फोर्स से नहीं आता है, बहुत स्लो पानी आता है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट बाल्टी से ले जाती हूँ और फटाफट डालने के बाद, और साथ ही साथ पौधों को अच्छे से नहला भी देती हूँ, मिस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ, जिससे ये दिन भर फ्रेश रहते हैं। बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो सुबह के टाइम पे ही खिलते हैं, जैसे ये जूही। मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया, जूही के फूल सुबह अच्छे खिलते हैं और शाम होने तक भी अच्छे रहते हैं, और दिन में जो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है उस टाइम पर इसके फूल ना बिल्कुल बंद हो जा रहे हैं। और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आसपास मेरा जितना भी इन्वायरमेंट है इसमें एकदम इसने खुशबू फैला दी है, और एकदम माइंड को इतना रिलैक्स फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा पौधा है, इसे अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए। इसके स्टेम ले आइए कहीं से, और ऐसी गुच्छों में इसमें फूल आए हुए हैं, और ये खूबसूरत फूलों का नज़ारा देखने के लिए इसीलिए मुझे सुबह उठना ही पड़ता है। इन फूलों की वजह से ना फिर पूरा मेरे को ऐसा लगता है मेरे गार्डन में एक इकोसिस्टम बन गया है। सबसे पहले बर्ड आती है, फिर बर्ड के साथ छोटी छोटी जो बटरफ्लाई आती हैं, बटरफ्लाई के साथ भंवरा वगैरह जो होते हैं, फिर हनी भी होती है, मतलब पूरा इकोसिस्टम बन गया है एक यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी टेलर बर्ड है, तो जैसे ही मैं उठती हूँ इन सबको भी पता चल जाता है मैं उठ गई हूँ, और ये आ जाती हैं मेरी छत पे। और अभी इसने आराम से नहा लिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मैं पौधों में मिस्टिंग करती हूँ। मिस्टिंग करने से हमारे पौधे फ्रेश भी रहते हैं और साथ ही साथ उसमें डस्ट वगैरह जो भी होती है वो हट जाती है और हरे भरे दिखते हैं उसके बाद पौधे। तो इसने नहाने के बाद ये यहाँ पे से जो मैंने घोंसला लगाया हुआ है आर्टिफिशियल, इसमें से ये चुरा रही है घोंसले के कुछ तिनके, क्योंकि टेलर बर्ड जो होती है वो अपना घोंसला पत्तों को सिल के बनाती है, वो इंसानों के द्वारा बनाए गए घोंसले में रहना पसंद नहीं करती है। इसीलिए इसने मेरे बैकयार्ड में शहतूत का एक प्लांट है उसमें इसने पत्तों को सिल के घोंसला बनाया है। कभी मैं आपको दिखाऊँगी टेलर बर्ड कैसे अपना घोंसला बनाती है, तो वहीं पे ये ले जा रही है ये घास के तिनके, ताकि अपने घोंसले के अंदर अच्छे से बिछा सके, और वहाँ पे इसके अंडे भी रखे हुए हैं। और ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं, बर्ड होती हैं, वो अपना घोंसला तभी बनाते हैं जब उन्हें अंडे देने होते, अदरवाइज़ वो ऐसे पेड़ की टहनियों में या ऐसे कोई पेड़ के पत्तों में ऐसे लटक के वो रह लेते हैं। जब मुझे सुबह मॉर्निंग में कभी लेट हो जाती है उठने में, तो ये मेरी बालकनी में आके बहुत तेज़ तेज़ इसकी सुरीली सी आवाज़ होती है, तो वहाँ से ये मुझे आवाज़ लगाती है। इसलिए भी मुझे टेरेस पे सुबह आना ही पड़ता है इन्हें दाना पानी देने के लिए। और ये है सुंदर सा गुलाब, गुलाब देख के मुझे हमेशा मेरी माँ की याद आती है। ज़िंदगी ऐसे ही चलते जाती है, लाइफ में हमें मूव ऑन करना होता है, लेकिन बहुत सी जो यादें होती हैं वो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी भर रहती है, और उन्हीं के सहारे हमें जीना होता है। और हमेशा ही गुलाब के फूल मेरे गार्डन में मुझे एक दो देखने को मिलते हैं, कभी भी पौधा मेरे को खाली नहीं मिलता, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। और जब मेरी माँ थी तो वो इसके फूल हमेशा पूजा के लिए ले जाया करते थे, तो अब तो ये ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे,
और मुझे फूल तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इन्हें ऐसे ही लगे रहने देती हूँ और मुझे ये ऐसे ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी मैंने पानी वगैरह सब कुछ डाल दिया है ऑलमोस्ट, तो एक चक्कर मैं पूरे गार्डन का लगा देती हूँ ताकि देख लूँ क्या क्या दिक्कत है किसी प्लांट को। अगर कोई पत्ता पीला हो रहा है तो उसे भी निकाल देती हूँ और डायरेक्ट उसे जो मैंने कंपोस्ट बनाने के लिए रखा है कंपोस्टिंग बिन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरा प्लूमेरिया चंपा का प्लांट है ये बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा था, तो मैंने इसे धागे से ग्रिल के सहारे बांध दिया है। इसका गमला भी काफ़ी हिल रहा था और ये मॉन्स्टेरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, ये कटिंग से मैंने ग्रो किया हुआ है, मुझे एक आंटी ने इसकी कटिंग दी हुई थी। बहुत से लोग होते हैं ना पेड़ पौधे बांटते हैं आसपास में अपने को, एक दूसरे को देना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो नहीं देते हैं। मैं तो प्लांट्स वगैरह बांटना पसंद करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं दे देती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये जो बर्ड के लिए बर्ड फीडर रखा हुआ है इसमें पानी मुझे चेंज करना है, और हमेशा जब भी आप चिड़ियों के लिए पानी वगैरह रखते हैं तो उसे ऐसे मत रखिए, चेंज करिए बिल्कुल भी। मतलब हम आलसी हो जाते हैं कि चलो आज है ही उनके लिए पानी तो पी लेंगे, ऐसा करने से इसमें मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं और अभी तो मौसम भी ख़राब है। और साथ ही इसे हमेशा धोने के बाद से इसमें दोबारा पानी डालिए, क्योंकि काई वगैरह लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, फिर वो जो हम पे आश्रित हैं छोटे छोटे से बर्ड वगैरह वो भी इसे कैसे पिएंगे, तो इसीलिए इसे हमेशा मैं धो के रखती हूँ। और ये सारी जितनी भी आदतें हैं अच्छी या बुरी जो भी आप कहें, तो ये बचपन से ही मेरे अंदर हैं, जब मैं 5th class में थी तब से ही ये मेरे अंदर हैं, तो अभी तक मैं इन आदतों से जुड़ी हुई हूँ, मैं भूल नहीं पाई हूँ। ये सारी मैंने अपनी माँ से सीखी हैं और साथ ही जो मेरी दादी थी वो भी ऐसी ही थी, वो मतलब हमेशा बोलते थे हमें इन छोटी चिड़ियों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे खिला है खूबसूरत सा चंपा के फूल, इन फूलों ने मुझे इसीलिए खुश कर दिया क्योंकि इसमें हर एक ब्रांच पे अभी फूल खिल रहा है, सब में गुच्छों में फूल आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी फूल खिल रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है जब हम काफ़ी इंतज़ार करते हैं पौधे को अच्छे से सींचते हैं, लेकिन 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 फूल उसका उसी टाइम पर आता है जब टाइम होता है उसके आने का। तो वैसे ही ये चंपा है, पूरे साल भर ये ऐसे ही हरा भरा रहता है, फूल गर्मियों के टाइम पे ही देता है, लेकिन गर्मी भी अब आप देखिए अभी पूरा अगस्त का महीना चल रहा है और अब जाके इसमें फ्लावरिंग हो रही है और पूरे गुच्छे में फूल आ रहे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये यूफोर्बिया मिली तो पूरी सर्दी गर्मी ऐसे ही खिला रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है, इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। आपको गार्डन में और कुछ फूल खिले हुए नहीं भी दिखे ना, लेकिन इसके ये खूबसूरत से ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये वैसे इसके पत्ते होते हैं और ये इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं कि मन करता है इसके तो बहुत ही ज़्यादा प्लांट तैयार करते हैं, लेकिन लेकिन अब बहुत सारे गमले हो गए हैं तो इसीलिए मैं काफ़ी अब इनकी कटिंग लगाना मैंने बंद कर दिया है, बहुत सारे प्लांट हो गए थे और इसीलिए मैं अब अपनी फ्रेंड वगैरह को बांटते रहती हूँ। अब मैं उन्हें बोलती हूँ अब तुम लगाइए अपने घर पर पौधे, लगाओ अपनी छत को भी ऐसे ही भर लो। और ये मेरा वॉल प्लांटर जो मैंने कबाड़ से बनाया हुआ है, कलियाँ इसमें खिल गई है देखिए, और जैसे ही दिन में 9 बजेंगे फूल भी खिल जाएंगे, क्योंकि पोर्टुलाका के फूल तो दिन में मॉर्निंग के टाइम पे खिलते हैं, अच्छी खासी इनको धूप चाहिए होती है। और यहाँ पे भिंडी वगैरह के पौधे भी मैं देखने के लिए आ ही जाती हूँ, इन्हें भी मुझे देखना पड़ता है डेली डेली, और इसमें आजकल बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी ये सूख जा रही है। और ये जो आप कॉक्सकॉम देख रहे हैं, सर्दियों में अगर आप मेरे से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं तो आप देखेंगे सर्दियों के टाइम पे मेरे गार्डन में मुर्गा तो मतलब इतना खूबसूरत लगता है और वो मेरा फेवरेट प्लांट भी है, मेरे गार्डन को एकदम रंग बिरंगा कर देता है। तो ये अभी से मैं इसकी तैयारी करने लग जाती हूँ, अभी से इसके बीज वगैरह झड़ जाते हैं और ये खुद ब खुद फिर से उग जाते हैं जैसे इनका सीज़न आता है। और यहाँ पे ये गोमफेरना भी खिला हुआ है, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है, इसके आने से मधुमक्खी भंवरा बहुत आपके गार्डन में आ जाएंगे और इस खूबसूरत फूल ने तो मन ही जीत लिया है। तो ये है मेरा गार्डन सुबह के टाइम पे, आज का अपना टेरेस गार्डन, और मैं इसमें रख रही हूँ अभी बर्ड के लिए पानी वगैरह, और कबूतर को दाना पानी भी नहीं डाला है अभी मैंने, तो अभी मैं इनके लिए पानी वगैरह रखती हूँ, उसके बाद मेरा डेली का रूटीन जो भी होता है उसे मैं शुरू कर दूँगी। सुबह का तो मेरा जो भी टाइम है मैं अपने प्लांट्स को ही देना प्रेफर करती हूँ, ये देखिए, ताकि सुबह सुबह प्लांट्स को पानी वगैरह देने के बाद, इनसे थोड़ा बातचीत वगैरह करने के बाद, फिर मैं अपना बाकी का काम शुरू करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तो सुबह पूरा अच्छे से होने वाली, बहुत ज़्यादा उजाला हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें पानी भर दिया है और इसे मैं
हैंग कर देती हूँ किसी प्लांट के साथ, तो इसे मैं इस तरह से हैंग कर दूँगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऐसे इसे मैंने हैंग कर दिया है, और यहाँ पे फिर बहुत सारी बर्ड आती है, ये इस पेड़ में ही बैठती है। इस फूल का भी वो इस फूल के अंदर देखिए इसका नेक्टर सक करती है, इसीलिए मैं इस यहीं पे लगा देती हूँ इस पानी को, ताकि वो अच्छे से पानी वगैरह पी ले। और एक नज़ारा यहाँ भी हम देख लेते हैं, इधर देखिए कितने सारे बोगनविलिया के फूल खिले हुए हैं, पूरे साल भर ये बोगनविलिया खिलता ही। बोगनविलिया से इसी तरह खूबसूरत फूल लेने के लिए इसे कटाई छटाई करते रहिए जैसे ही फूल स्पेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया है दाना, इसमें से गिलहरी और कबूतर खाते हैं, और छोटी बर्ड के लिए मैं अलग से रखती हूँ, और ये इनके लिए मैं पानी रख रही हूँ। और हमेशा ये जो पानी का बर्तन है जिसमें आप रखते हैं इसे धो के रखिए, क्योंकि इसमें काई वगैरह लग जाती है। पानी चेंज करते रहिए, मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे। और ये देखिए इतने सारे कबूतर आ गए हैं यहाँ पे दाना वगैरह खाने के लिए, तो इस तरह से मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।